सब्सक्राइब कीजिए पॉल टेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉल टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मोबाइल एक्सट्रीम के बारे में। ये एक टर्मिनल इम्यूलेटर है। इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँ कि कैसे काम करता है, क्या है। एक SSH क्लाइंट है विंडोज़ का, ताकि आप कोई भी विंडोज़ क्लाइंट मशीन से आप कोई भी लिनक्स सर्वर्स को, लिनक्स क्लाइंट को थ्रू SSH आप लॉगिन करके उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे आप पुट्टी में काम करते हैं, बहुत लोग पुट्टी में काम करते हैं, तो पुट्टी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, वो ग्राफिकल आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्राफिकल जो लिनक्स का जो ऑप्शंस है, जैसे कि X11 फॉरवर्डिंग बोलते हैं, मतलब आपका जैसे कि नेटवर्क मैनेजर हो या फिर आपका सब्सक्रिप्शन मैनेजर हो, जो भी हो, ग्राफिकली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इससे मोबाइल एक्सट्रीम से आप कर सकते हैं, जो पुट्टी से आप नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, पहले मैं उसका कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ। मोबाइल एक्सट्रीम क्या है, अगर गूगल में जाएंगे मोबाइल एक्सट्रीम टाइप करने से, आपको मोबाइल एक्सट्रीम का पहला जो लिंक आएगा उसमें क्लिक करने से उसका डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए और लिनक्स के लिए, विंडोज़ एंड मैक ओएस के लिए मिल जाएगा आपको। तो इससे आपको गेट मोबाइल एक्सट्रीम नाउ इस करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप इसमें भी जाकर देख सकते हैं उसका क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। जो मोबाइल एक्सट्रीम का वेबसाइट है उसमें भी आपको दिखा देगा क्या क्या ऑप्शन है इसमें। तो ये मेरे मोबाइल एक्सट्रीम में जो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है मेरे मशीन में, उसका डायरेक्टली रन, मतलब आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं मशीन में और डायरेक्ट EXE मिलता है जिससे रन हो जाएगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो स्क्रीन है यही है, उसमें ऊपर में मेनूज है बहुत सारे, जैसे कि एक्स सर्वर, स्टॉप एक्स सर्वर, फिर आपका टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन है, कीबोर्ड शॉर्टकट, सेशंस में सबसे अच्छा सेशंस है, सेशन में न्यू सेशन अगर करेंगे बहुत सारा सेशन से आप FTP सेशन ले सकते हैं। कोई भी आपका FTP सर्वर हो तो इससे FTP लॉगिन कर सकते हैं, SFTP सर्वर हो तो SFTP लॉगिन कर सकते हैं, RDP रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं, XDMCP कर सकते हैं, फिर SSH, टेलनेट, बहुत सारे ऑप्शन है। ये सब ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं इस आपका मोबाइल एक्सट्रीम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो स्क्रीन आएगा यही स्क्रीन आएगा, इसमें आपको दिखाएगा, देखिए ये IP है जिस IP से आप एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल एक्सट्रीम को, ओपन कर रहे हैं, तो आपका ये फिजिकल मशीन का IP है, वो आपको दिखा देगा। जो भी हो, मेरा ये है, ये आपका जो होगा वो दिखा देगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप पुट्टी में जैसे करते हैं या फिर लिनक्स टर्मिनल में जैसे करते वैसे ही है, आप कंट्रोल एल करके उसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो क्लियर करके भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस करने के लिए जैसे कि हम लोग SSH करते हैं, SSH जैसे कि रूट और सर्वर का IP, ये सपोज मेरा एक सर्वर का IP है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ। ओके, नॉट फाउंड, पहले इसको पिंग करके देखता हूँ। पिंग हो रहा है लेकिन SSH नॉट फाउंड दिखा रहा है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, SHH दे दिया था, SSH है। तो देखिए सर्वर एक्चुअली मेरा ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड सेव है बोल के डायरेक्टली लॉगिन हो गया, नहीं तो आपको पासवर्ड मांगता है, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपको, आपको पासवर्ड देके फिर लॉगिन करना है इसके, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली पहले से ही पासवर्ड सेव है, इसमें सेव भी कर सकते हैं, आपको पूछेगा कि आप सेव करना है कि नहीं करना है पासवर्ड को, तो आप येस और नो ऑप्शन आएगा तो उसमें आप क्लिक करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आता है साइड में, ये एक्चुअली आप मूव कर सकते हैं, इस साइड से राइट क्लिक करेंगे तो इसको लेफ्ट में करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही आता है, मैं अपने हिसाब से इसको राइट में कर दिया हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये क्या है, एक्चुअली आपका होम फोल्डर है, आप जहाँ पे लॉगिन है, आप PWD करके रूट के अंदर लॉगिन है अभी, तो रूट के अंदर जो जो फोल्डर्स है आपको ये दिखा रहा है, ये जो सर्वर के अंदर है आपका जो लिनक्स सर्वर होगा इसके अंदर ये सब फोल्डर है यहाँ पे दिखा रहा है। आपको इसमें कुछ अपलोड करना है आपका विंडोज़ मशीन से, सपोज़ कोई पैकेज आपने विंडोज़ मशीन में डाउनलोड किया है जो आपको लिनक्स में अपलोड करना है, क्योंकि इस मशीन में मेरा इंटरनेट नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन है वहाँ पे, देखिए अपलोड करंट फोल्डर यहाँ पे करके आप बहुत कुछ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो जो कुछ है जो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपने कुछ डाउनलोड किया है, आपका फिजिकल मशीन में डालना है, तो क्लिक करके आप
इसमें क्लिक कीजिए डाउनलोड सिलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आप कहाँ में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और भी है जैसे कि रिफ्रेश फोल्डर है ऑप्शन, एक नया फोल्डर है। अगर आप उसी सर्वर में, जो सर्वर में आपने लॉगिन किया अभी लिनक्स सर्वर में, उसमें अगर कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, नया फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ASCII मोड में भी जा सकते हैं उसमें। और शो हिडन, मतलब इसमें क्लिक करने से हिडन फाइल जो शो हो रहा है, अगर इसमें मैं उठा देता हूँ तो कोई भी हिडन फाइल शो नहीं होगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है। तो डिलीट भी कर सकते हैं, सपोज आपको कोई भी फाइल डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा वो फाइल। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलता है। और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मैं अभी जो लॉगिन किया हूँ उसमें क्या है, नॉर्मली SSH करके लॉगिन किया हूँ मैं। इसमें अगर ग्राफिकल कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ सर्वर का, सपोज NM कनेक्शन एडिटर, सॉरी क्लिक करूँगा। अगर ये देखिए आप, अगर यही चीज़ आप, अगर आपका पुट्टी में आप एंटर करेंगे, पुट्टी जो टर्मिनल इमुलेटर है, तो आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा, बोलेगा कि X11 फॉरवर्डिंग नहीं है इसमें। तो इसमें X11 फॉरवर्डिंग है, इसलिए यहाँ पे देखिए ओपन हो गया ग्राफिकल मोड। ठीक है, हाँ ये देखिए ग्राफिकल मोड यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट वगैरह डायरेक्टली ग्राफिकली कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस लिनक्स सर्वर का। अगर उसमें ग्राफिकल उसका, अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट इनिट मोड है, अगर ग्राफिकल मोड होगा तो रन लेवल जो है ग्राफिकल होगा तो आप यहाँ से ग्राफिकल एक्सेस कर सकते हैं। अगर सर्वर में ग्राफिकल डिजेबल है तो नहीं कर सकते हैं। अगर सर्वर में ग्राफिकल एनेबल है तो यहाँ से ग्राफिकल आप एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज़ आप अगर आप पुट्टी में करेंगे तो दिखाएगा कि X11 फॉरवर्डिंग नहीं है, तो इसमें X11 फॉरवर्डिंग है, इसलिए आप इसमें ग्राफिकली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसका डिफ़ॉल्ट जो आपका जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो बहुत छोटा रहता है, फॉन्ट का साइज़ आप चाहे तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये थोड़ा देखने में आसान होता है क्योंकि मैंने इसको बड़ा कर दिया। कैसे करेंगे, आप टूल्स में जाइए, सॉरी टूल्स में नहीं, आप सेटिंग्स में जाइए, कॉन्फ़िगर में जाइए, यहाँ पे आके देखिए जो टर्मिनल है, टर्मिनल में आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। जो फॉन्ट आपको पसंद है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से। आप यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं, यूनिकोड जो है 64 जो है जो चेंज कर सकते हैं। और साइज़ यहाँ पे साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहता है, तो मैंने 12 दिया है। आप अगर चाहते हैं तो इसको 13-14 करके कर सकते हैं। सपोज़ मैं अभी एक चेंज करके आपको दिखाता हूँ, सपोज़ इसको 13 या 14 कर दिया मैंने, और इसका कलर सपोज़ इस कलर को मैंने ब्राइट कलर दे दिया है। ओके, अभी अगर आप दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ से प्लस करके, तो देखिए आपका पूरा चेंजेस हो गया, आपका वो कलर से मैच नहीं कर रहा है, कलर डिफरेंट हो गया है और आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, अभी अगर आप फिर से इसको एग्जिट करेंगे, इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि एग्जिस्टिंग जो आपका सेटअप है उसमें है, तो इसलिए नहीं दिखा रहा। इसको एग्जिट करता हूँ और फिर से मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ से, सॉरी SSH। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ, आपका फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है, आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो सब बढ़ गया है। उसी तरह से आप यहाँ से आपका चॉइस का फॉन्ट साइज़ वगैरह कलर आप चूज़ कर सकते हैं क्या है। फिर और भी सेटिंग्स है, बहुत सारे सेटिंग्स है जो मैं, आप खुद ट्राई करके देख लीजिए एक एक करके, सब नॉर्मल सेटिंग्स से है, उसको ज़रूरत नहीं है ये सब सेटिंग्स का, फिर भी आप नॉर्मल ट्राई करके देख सकते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे एक्स विंडोज़ मेरा ओपन हुआ है, NM कनेक्शन एडिटर। हाँ, ये मेरा क्या होता है, डायरेक्टली मेरा X11 जो ऑप्शन है उसको फॉरवर्डिंग कर देता है तो ओपन हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, आप एक्स सर्वर में जाके स्टॉप एक्स सर्वर अगर करेंगे यस, अभी अगर आप ट्राई करेंगे कि उसको ओपन करने के लिए, तो अभी ओपन नहीं होगा। देखिए क्या दिखा रहा है आपका, GTK वार्निंग
कैनॉट ओपन डिस्प्ले, ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, क्योंकि आपका एक्स विंडोज़ बंद है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट रहता है, तो इसलिए आप मोबाइल एक्सट्रीम से इसको कर सकते हैं। तो फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप मोबाइल एक्सट्रीम को एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल एक्सट्रीम को यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। फिर यहाँ से देखिए जो ऑप्शन है जो आप एक्सेस कर पा रहे हैं, कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, SFTP से, SFTP से आप यहाँ का जो जो सर्वर का आपका जो फोल्डर्स वगैरह है सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं, तो SFTP से वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो सेशंस है आप चाहे तो इस सेशन को सेव कर सकते हैं। कौन सा सेशन को, सपोज़ यहाँ पे न्यू सेशन आप ओपन करते हैं, न्यू सेशन करके SSH सेशन हो या टेलनेट हो, आपका RDP हो, VNC, कोई भी सेशन हो, आप यहाँ से अगर सपोज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे होस्ट का IP एड्रेस, यहाँ पे होस्ट का यूज़र नेम, पोर्ट अगर डिफरेंट रहे 22 पोर्ट अगर SSH के लिए यूज़ होता है, अगर आप डिफरेंट पोर्ट है तो डिफरेंट पोर्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे करके उसको कनेक्ट करके, ओके करके, कनेक्ट करके सेव कर सकते, ताकि आपको बार बार IP टाइप करके SSH करके ना करना पड़े, आप डायरेक्टली आप ये ओपन के करेंगे सेशंस में जाके, आपका जितना भी सर्वर से आपका सेशंस यहाँ पे सेव रहेगा इस ऑप्शंस में, तो उसके बाद आप एक एक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ओपन हो जाएगा। या तो पासवर्ड आपको देने की ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर आप पासवर्ड सेव करके रख देते हैं तो पासवर्ड भी देने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक सर्वर आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह सेशन भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो लोग OpenGL यूज़ करते हैं, OpenGL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, तो OpenGL जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है मोबाइल एक्सट्रीम। आप डायरेक्टली मशीन को एक्सेस करके OpenGL से आप ये सब मूवमेंट एनिमेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं ये मोबाइल एक्सट्रीम से, दूसरा फुट्टी से आप नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल एक्सट्रीम से आप ये सब कर सकते हैं डायरेक्टली कोई सर्वर वगैरह में, या फिर कोई भी आपका लिनक्स क्लाइंट में चला के टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब है आपका मोबाइल एक्सट्रीम का जो फीचर्स है, और भी फीचर्स है, आप लोग देख लीजिएगा आपके हिसाब से क्या क्या फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा मैंने बनाया क्योंकि मोबाइल एक्सट्रीम को मुझे आपको बताना था कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे आपको टेक वीडियोज़, टेक ट्यूटोरियल्स और आपका लिनक्स का वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।